नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉली सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या फिर ऑप्शन डी हरिद्वार। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नैनीताल। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी अजंता या फिर ऑप्शन डी एलोरा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अजंता। तो साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है ऑप्शन ए जयपुर और अरवल से, ऑप्शन बी अलवर और भरतपुर से, ऑप्शन सी अजमेर और भरतपुर से या फिर ऑप्शन डी बीकानेर और नागौर से। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर और अलवर से। तो साथियों, इसके साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे ऑप्शन ए 22वें, ऑप्शन बी 23वें, ऑप्शन सी 24वें या फिर ऑप्शन डी 25वें। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24वें। इसी के साथ साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है ऑप्शन ए रामेश्वर, ऑप्शन बी सुशींद्रम, ऑप्शन सी मदुरई या फिर ऑप्शन डी चिदम्बरम। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुचिंद्रम। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन ए गोकुल बाई भट्ट, ऑप्शन बी जमुना लाल बजाज, ऑप्शन सी भोगीलाल पंड्या या फिर ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जमुना लाल बजाज। तो साथियों, इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी हिसार में या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उदयपुर में। इसी के साथ साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है ऑप्शन ए मैमल्स में, ऑप्शन बी रेप्टेलिया में, ऑप्शन सी इंसेक्टा में या फिर ऑप्शन डी पाइसेज में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि इंसेक्टा में। तो इसके साथ चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई ऑप्शन ए वर्ष 1920, ऑप्शन बी वर्ष 1921, ऑप्शन सी वर्ष 1922 या फिर वर्ष 1923। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1922। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया ऑप्शन ए वर्ष 1930 में, ऑप्शन बी वर्ष 1934 में, ऑप्शन सी वर्ष 1932 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1933 में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 1930 में। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1892 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1897 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 1897 ईस्वी में। इसी के साथ साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन में, या फिर ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन में। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी खेड़ा आंदोलन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए बड़ौदा में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन डी चंपारण में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद में। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारवान के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुरी, ऑप्शन सी गोमट, या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बीकानेरी ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी कांगड़ा शैली, या फिर ऑप्शन डी गुजरात शैली। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन ए 14 भाषाएं, ऑप्शन बी 22 भाषाएं, ऑप्शन सी 24 भाषाएं, या फिर ऑप्शन डी 25 भाषाएं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 22 भाषाएं। तो इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो साथियों, इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी गुरु पर्व, ऑप्शन सी बिहू, या फिर ऑप्शन डी लोहरी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोंगल। तो इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी अमृतसर, या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फरीदाबाद। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। तो इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो साथियों, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है।
हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी नूर जहां, या फिर ऑप्शन डी जहां आरा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए फ्रांसीसी द्वारा, ऑप्शन बी डचों द्वारा, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि पुर्तगालियों द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु में कहां पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, या फिर ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कन्याकुमारी। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी थाई पुसाम, ऑप्शन सी बिहू, या फिर ऑप्शन डी होली। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थाई पुसाम। अब चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह मोदी। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।